हम लोग देख रहे हैं कि जब सरकारें कह रही हैं कि जो है किसान की जमीन किसान से ले ली जाए, जो किसान लोन ले रहा है बैंक से उसमें जो से डॉक्यूमेंट साइन कराए जा रहे हैं उसका टाइटल चेंज हो गया। जब जमीन का टाइटल ही चेंज हो गया, उसका टाइटल बैंक के नाम ट्रांसफर हो चुका है, किसान उस जमीन को बेच नहीं सकता है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप सरकार किसान की जमीन इंतजाम से नहीं ले। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला बत्तही में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है मयंक खरे जी, और एक खास इस मायने में है कि जो हमारी हिंदी दुनिया है, जो हमारा हिंदी साहित्य का समाज है, पढ़ने वाला उसको प्यार करने वाला, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लिखित सामग्री कम होती है लेकिन दूसरी जो सामग्री है वो ज्यादा होती है, यानी अनुभव की सामग्री बहुत होती है। कई सारे बड़े लोगों के साथ रहने का अनुभव होता है, उनसे सीखने का, उनसे अपने समय को समझने का भी बहुत कुछ हुनर हम हासिल करते हैं, और उसी में से हम कभी कभी कुछ छिटपुट कहानियां लिख देते हैं और वो प्रकाशित भी होती है, लेकिन फिर एक उदासी का आलम आ जाता है। ऐसे ही सच्चे हमारे साथ है मयंक खरे जी, जिनकी कहानी आत्महत्या मैंने तो भावना में पढ़ी, बाद में संकलित हुई कथा में किसान जो संग्रह है इसको मनोज जी ने किया, और इसके साथ साथ मयंक खरे जी ने एक मंच पत्रिका का संपादन शुरू किया है पिछले काफी समय से। वो एक पुरस्कार देते हैं हर वर्ष, पिछले 15 वर्षों से देते हुए आ रहे हैं, जिसका नाम है प्रेमचंद सम्मान, और आज हम उनके साथ बहुत सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। उनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो ये है कि हमारे जो गांव बदल रहे हैं, किसानों की जो हालत है उनको लेकर उनके मन में बहुत गहरे सरोकार बने हुए हैं, जो हमको उनके वैचारिक लेखों से पता चलते हैं। सर, मैं किताबी दुनिया की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और मेरा जो मेरी जो जिज्ञासा वो यही है कि साहित्य के साथ जो आपका जुड़ाव बना वो प्रारंभिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? देखिए, साहित्य और मार्शल आर्ट दोनों आपस में मिले जुले हैं। हम लोग जब ट्रेनिंग करते थे तो कहावत थी कि जो पढ़ेगा नहीं वो आगे नहीं, तो पढ़ना और बोलना तो दोनों आपस में समानार्थी शब्द थे, क्योंकि बिना पढ़े बोलना संभव ही नहीं। उस पढ़ने के क्रम में जो छात्र जीवन में पढ़ना छूट गया था वो सब भी दोबारा पढ़ा गया, और चीजों को नए तरीके से देखने का, क्योंकि ट्रेडिशनल आंदोलन में काम कर रहे थे, चीजों को सुनने समझने का मौका दिया। और पढ़ते पढ़ते जब एक समय ऐसा आया कि ट्रेडिशनल आंदोलन में कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो ये हुआ कि भाई अब लिखने पढ़ने की आदत जो है वो बेहतर मनुष्य बनाए रखती है और बचाए रखती है, तो उस अपने आप को बचाए रखने के क्रम में मतलब आंदोलन में तो सिर्फ एक भूमिका उपयोगिता कभी आपके लंबे समय तक रहती है कभी नहीं भी रहती, तो उससे ये लगा कि नहीं अपने आप को बचाए रखने के लिए लिखना पढ़ना कम से कम बदस्तूर जारी है। तो हम लोगों ने 2007 में प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान बाबा से शुरू किया, और मुझे याद पड़ता है कि प्रभात रंजन को पहला पुरस्कार दिया गया था, शिवमूर्ति जी उसके पहले निर्णायक थे, अमरकांत जी थे, शिवमूर्ति जी थे, तो दो लोग उसके पहले निर्णायक, तो वहां से यात्रा शुरू होती है और अनवरत चलती जाती है, कई बार और उद्योगों के बीच में भी, लेकिन जो हमारे मुख्य सरोकार हैं बुंदेलखंड परंपरा से आते हैं, बुंदेलखंड अपने आप में एक अभिशाप, तो वो पूरा का पूरा इलाका ही दुनिया की मुख्य धारा से आज भी बहुत पिछड़ा है, और वहां के गांव तो अभी भी, इसीलिए प्रेमचंद को भी अगर गोदान लिखनी थी तो वो बुंदेलखंड और महोबा और बांदा के आसपास का जो ग्रामीण परिवेश है वही उनके यहाँ, प्रेमचंद शायद ना हो पाते अगर बुंदेलखंड में ना रहे, क्योंकि जो जो पीड़ा है, जो किसानों का दुख है, वो तो बुंदेलखंड के किसानों के यहाँ, शिवमूर्ति ने अभी आखिरी छलांग लिखा तो अभी यहाँ आए थे, रहे थे बुंदेलखंड के गांव गांव को भ्रमण किया था,
संजीव भी जब प्रत्यंचा लिख रहे थे तो बांदा आकर के हमारे साथ दो चार दस गांव में ठहरे थे रहे थे, तो बुंदेलखंड एक लेखकों के लिए उर्रा और वहां पे बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिनको देखकर आज भी आपके भीतर अगर मनुष्यता सो गई है तो जाते हैं। बुंदेलखंड का जो नाम आता है तो कुछ इतिहास भी हमको बताता है कि बुंदेलखंड में जो रहने वाले लोग थे उनका क्या दौर रहा है, क्या उन्होंने अपनी भूमिकाएं अदा की। और एक समय ऐसा भी आया कि जब बुंदेलखंड में रहना एक तरह से अपने जीवन को बहुत सारी कठिनाइयों में शामिल करवाना है। अपने अपने लेख में लिखा है कि वहां की जो जमीन है उसका जो 70% हिस्सा है पठारी और एक फसली जमीन है, तो ऐसे में किसान का जो जीवन है वो कितना कठिन है। वो जो हम लोग अर्थशास्त्र में बात पढ़ा करते थे ना कि भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण में जीता है और मरते वक्त ऋण को अपने पशु को दे जाता है, तो बुंदेलखंड का किसान कमोबेश आज उसी स्थिति में आती है। मैं बड़े से बड़े किसान को जानता हूँ और देखता रहता हूँ जो 50 बीघा 100 बीघे के काश्तकार भी है वो सब देखते हैं। आज अगर किसान क्रेडिट कार्ड आ गया तो किसान क्रेडिट कार्ड से भी लोन ले लिया, बाजार में साहूकार का लोन है, जिस तरीके से उनको पैसा मिल रहा है किस तरह से पैसा दे रहे हैं अपना काम चला रहे। पानी की इधर 10-15 सालों में स्थितियां कुछ हैंडपंप लगना कुछ बोरवेल लगना हुआ है, लेकिन ये इतना नाकाफी है कि इससे कोई फसल का सुधार हो जाए ये मुझे नहीं लगता। हाँ, पीने के पानी की जो समस्याएं थी वो कुछ मात्रा में कुछ सीमा तक हल हुई है, लेकिन अभी जमीन की जो प्यास है उसके लिए कोई ठोस और कारगर उपाय नहीं। किसान मूलतः जो है एक फसला जमीन है और एक फसला जमीन में भी बुंदेलखंड जो है आमतौर पे अपने दलहन और तिलहन के उत्पादन के लिए जाते हैं और दलहन और तिलहन का उत्पादन वो उनकी यहाँ की मुख्य कैश क्रॉप। अब चूंकि फसल का पानी से रिश्ता और उधर मैं जो सरोकार शुरू हुए किसानों ने देखा देखी दूसरे गांव को देख करके कानपुर के किसान को देख के दिल्ली के किसान को देख के तो फसल खाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और पानी ना होने के बावजूद खाद डालना शुरू कर दिया, तो वो खेत जो है बिना पानी के कभी बारिश अच्छी हो गई तो वही खाद थोड़ा काम कर गई, नहीं अच्छी हुई तो खेत भी अपनी सामर्थ्य से चूकते जा रहे हैं। और वहाँ रोहू जो है मट्टी में जो रोहू कहते समझते ना जी, वो रोहू जो है खेतों में थोड़ी मात्रा में होती जा रही है और बहुत अगर ऐसा ही चला तो वैसे ही वहाँ 25-30% जमीन कृषि योग्य है और आने वाले समय में ये जमीन भी बंजर होने की दिशा में आगे बढ़ चली। जैसे आपने बातचीत में बताया कि जो छोटा जानवरों की समस्या है, जैसे इस समय तो काफी राज्य इसका परिणाम झेल रहे हैं, आपके यहाँ इस तरह की समस्या है उसका स्वरूप क्या है? हमारे यहाँ अन्ना प्रथा पहले से थी जी, लेकिन पहले इतना बुरा हाल जब से इधर गाय को लेकर के पूरा सरकारें जागृत हो गई, देश भर में गाय की बातचीत हो रही है, गाय को पूछने की बात होती रहती है, तो जो नकलीपन है समाज का वो हर स्तर में व्याप्त है। तो जो किसानों के यहाँ भी जो थोड़ा सा खाक किसान कह लीजिए, अभी उसमें दो तरह के किसान हैं, जो गरीब किसान है वो गाय को अपना बेटा बच्चा रख के घर में रखे रहता है, जो थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ चंड चालाक किसान है वो सुबह दूध के गाय दूध करके छोड़ देता है, उसे मालूम है कि अब गाय की रक्षा सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है, तो वो अपना गाय चली गई। और गाय ऐसा एक सेंसिटिव जानवर है और इतनी वफादार जानवर है कि वो अभी अपना खूंटा है नहीं छोड़ती। शाम को 6 बजे ठीक जो है जब ध्वनि का समय होगा तो गाय आके अपने खूंटे पर खड़ी हो जाती है और फिर उसको दूर करके फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वो चली जाती है। तो इस तरह मतलब जितने इधर के हाल के दिनों में
एक्सीडेंट से गाय की मौत। आज आप बुंदेलखंड चले जाइए बारिश के समय में, तो सड़क रात को आप सड़कों से निकल पूरी सड़क गाय से भरी। अब क्योंकि कहीं बैठना संभव नहीं है तो सड़क में बैठना उसको आसान लगता है, सड़क में कम से कम पानी भी नहीं रहता है, तो सारी गाय सड़क में भरी रहती है। आए दिन अखबारों में अब तो छपना बंद हो गया, आए दिन हम लोग जाते हैं तो दो चार गाय उस हादसे की शिकार हम लोग देखते हैं। इतनी गायों की मौत, तो गायों का जब मतलब काटने वाले बेचने वाले करते थे तब भी इतना नहीं। अब ये जो मतलब गाय के साथ जो ये अन्याय हो रहा है कि मालिक ने उसको छोड़ दिया और जिसके ऊपर सरकार, जिसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है उसको बचाए रखने के लिए, वो उनके नुमाइंदे भी वहां नहीं, गाय सड़क पे बैठी। और ऐसा दोहरापन या इस तरह का मतलब नकलीपन जिसे कि इससे न राष्ट्र सध रहा है, न इससे राज्य सध रहा है और न किसान सध रहा है, सबका जी। पिछली बार कुछ खबरें से आई थी कि राजस्थान में एक गौशाला का ऐसे ही वायरल हुआ था कि गायें हैं वो कीचड़ में बैठी हुई, उनको खाने के लिए नहीं, और उसमें कई गायें तो ऐसी जिनको उठाया जा रहा, यानी कितनी भी उनको इतनी सामर्थ्य नहीं बची, इतना कम चारा उनको दिया गया। देखिए इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है, जी जी, जी। पूरा का पूरा समाज जिम्मेदार जी, क्योंकि मैं अगर अपने घर में गाय रखे हूँ और रोज सुबह शाम गाय का दूध इस्तेमाल नहीं कर रहा और उसके बाद मैं उसको जानबूझ कर हम उसको छोड़ दे रहे हैं, और ये जानते हुए कि सरकार के लोग या सरकारी जो व्यवस्था है उसमें गाय खा लेगी, चर लेगी, अपना आ जाएगी, तो ये हमारी एक जानी समझी बेईमानी। और ये जो हमारी जानी समझी बेईमानी है इसका इलाज सत्ता के पास या सत्ता के पास समाज के पास है, ये समाज का जो बौनापन है ये उसकी निशानी। गाय से जुड़ा हुआ एक मतलब एक और सवाल है, इसे गाय तो हमारे समाज में और इसका किसी धर्म से जुड़ाव नहीं है, गाय का मतलब ही था कि हम किसान हैं, अगर गाय नहीं है तो हम किसान कैसे हैं, गाय है मतलब इसका मतलब है कि हमारे पास बछड़े हैं, वही बछड़े बाद में बैलों के रूप में उनका हम खेतों में प्रयोग करते थे। लेकिन एक समस्या इधर जो नई देखने को मिली कि जानवरों के साथ हमारा व्यवहार पूरा बदला है, खासतौर से गाय को लेकर के, हमारा बैलों को लेकर के, अब हम बहुत तेजी से सारी चीजें करना चाहते हैं, यानी हमारी जिंदगी में गति बहुत किसानों में भी आई, इसकी वजह क्या कुछ गति है? देखिए किसानों में गति क्या, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में तो ज्यादातर छोटी जोत के किसान जी, तो उनके लिए ये संभव नहीं है कि वो ट्रैक्टर खरीद सके, किराए पे लेकर के वो अपना काम काज थोड़ा जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन आज भी बहुत से गांव में बहुत सारे किसानों के पास जो जोतने और बखरने का जो बहुत साधन है वो पहली बैल ट्रैक्टर, जहाँ पे दो फसला जमीन है, जहाँ पानी का साधन है वहां तो ट्रैक्टर से काम चल जाता है, और जहाँ पे एक फसला जमीन है, मेरे गांव में एक बीघे में तीन मन चार मन फसल होती है, तीन मन चार मन गेहूं का मतलब होता है कि 4,000 रुपया एक बीघे में मिलता है। अब 4,000 रुपया एक बीघे में मिलता है, अब 4,000 रुपया एक बीघे की जो लागत मेरी आती है वही 4,000, तो अब किसान उसमें क्या खाएगा क्या बचाएगा, अगर उसने ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लिया और इस्तेमाल कर लिया तो कहाँ जाएगा। खेती करना इतना महंगा काम हो गया है कि अब किसान के बूते का, और इधर जो खाद महंगी हो रही है और किसान भिन्न भिन्न तरीके बीज इस्तेमाल कर रहा है वो महंगा हो रहा है, ट्रैक्टर डीजल सब महंगा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कानून लगाया था कि ट्रैक्टर का कास्ट किसान के खुद का श्रम का मूल 1 बीघा में 5,000 रुपए मिनिमम कास्ट आता है, और कई मरतबा वो 5,000 रुपए नहीं। तो अब छोटे किसानों ने अपनी जमीन बड़े किसानों को बरकत पर देना चाहिए कि साल में 5,000 रुपया 10,000 रुपया इनसे मिल जाएगा, 5,000 रुपया 4,000 रुपया इनसे मिल जाएगा, और हम जो है कहीं जाके मजदूरी
तो वो प्रदेश कमाने चले जाते थे, जमीन बड़े किसान को दे गए, प्रदेश कमाने चले गए। कोरोना के बाद प्रदेश में भी अब किसान की सब किसान लौट के अपने घर आ गया। जवान पीढ़ी ऐसे बेरोजगार घूम रही है, कभी कभी लगता है कि ये लोग किस समाज के, किस राष्ट्र के, किस परिवार के काम। उनके पास अपना खाना पीना जीना मुहाल, गांव के गांव बेरोजगारी से लबालब और किसी व्यवस्था के पास इसका कोई माकूल इलाज। और इतना चमकता हुआ आप देश देख रहे हैं बुंदेलखंड, मैं तो बुंदेलखंड से आता हूँ, तो अपने गांव को अपने इलाकों को जानता हूँ। वहाँ जवान लड़का 16 साल से लेकर 28 साल 30 साल तक का लड़का जो है शाप श्री पान गुटका खाए हुए और जो है शाम को या दिन में शराब पी करके बस घूमता घूमता रहता है। और बाद में गांव में जो अपराध में बढ़ोतरी चली होती जा रही है उसके सब यही कारण। और सरकारों की नजर में पता नहीं ये बात क्यों नहीं पड़ पा रही है, हम लोग देख ले रहे हैं। मीडिया का जो एक बड़ा चैनल है, बड़ा तबका है, वो भी इन बातों से लगभग और उधर ना तो कोई देखना चाहता है ना उस पर बात करना चाहता है। ग्रामीण बेरोजगारी की दर अब तक का हाईएस्ट समाज में ग्रामीण बेरोजगारी कभी इतनी बड़ी मात्रा थी। आज की तारीख में ग्रामीण बेरोजगारी अपने सवाब पे, हर घर में दो जवान लड़के बैठे हुए हैं और उनके पास कोई काम। और तो और मैं आपको ऐसे ऐसे गांव में गया हूँ जहां आप सुनकर ताजुब पाएंगे कि छत्तीसगढ़ का लगा हुआ इलाका है, शहडोल का इलाका है, मैं वहां रहा हूँ। अर्जुन सिंह की जब सरकार थी कांग्रेस की वहां पे प्रदेश में, तो उन्होंने 5 लीटर शराब आदिवासियों को बनाने का एक जवानी हुक्म जारी किया और उसका नतीजा ये हुआ कि सारे आदिवासी अपने घर में 5 लीटर महुआ की शराब बनाने लगे। और धीरे धीरे वो शराब पीते पीते हालत ये हो गई कि उनके पास, चूंकि मिड डे मील से खाना में सरकार की बहुत सारी योजनाओं से खाना आने का थोड़ा 2-4 दिन काम कर लिया तो 10-15 दिन के खाने का हो गया, शराब बनाने का मिल गया, शराब बना ली। आज गांव के गांव ऐसे हो गए हैं जहां 60 साल से ऊपर के लोग, आप ऐसे ऐसे गांव हो गए हैं। ज्यादातर गांव में जब वहां पे साइडों के इलाके में मैं जाता हूं तो वहां पर 60 साल से ऊपर के लोग या तो मर चुके हैं या बीमार हैं। नई पीढ़ी या तो प्रदेश कमाने चली गई है, प्रदेश कमा के लौटी है तो यहाँ गांव में काम नहीं है तो वो भी उसी शराब और डूब गई है और 50-55 साल की उम्र आते आते सब अपने जीवन को। इतनी भयानक आपदा। आपने उल्लेख किया कि शहडोल में एक समय जो आत्महत्या के आंकड़े आ रहे थे और उस समय आप उनको ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या इसके कारण हो सकते हैं, तो पता चला कि बहुत सारा कुछ पेस्टिसाइड्स वहां पर प्रयोग किया गया। ये क्या शहडोल में ही आपको देखने को मिला या कुछ और भी इस तरह की घटनाएं या इस तरह की केसेस आपके सामने आए? मध्य प्रदेश में एक जगह है बाण सागर डैम के पास, बाण सागर डैम बना हुआ है हमारी तहसील और शहडोल के बीच का इलाका, उसको मिनी पंजाब पर वहाँ बाण सागर डैम के जुड़ते कम से कम 100 किलोमीटर के एरिए में फसल दो फसला तीन फसला में किसान दो तीन फसल साल साल में निकालता है तो अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छी पैदावार होती है और सब किसानों का जीवन लगभग बदला सा। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि जो वहां मृत्यु हो रही है उसमें वो मात्र 2 कारणों से लोग जाता है, एक तो कैंसर से लोग मर रहे थे, दूसरे किडनी के फेल होने से, किडनी की बहुत सारी समस्या पैदा होने से मर रहे थे। तो मैंने गांव में जाकर भी इसको अच्छे से जानने की कोशिश की, ऐसा हो क्यों रहा है, इस इलाके में ज्यादा कैंसर क्यों हो रहा है, इस इलाके में ज्यादा किडनी के पेशेंट क्यों आ रहे हैं। तो पता चला कि किसान जो है ज्यादा फसल पैदावार लेने के चक्कर में वो खाद की मात्रा को 1.5 गुना 2 गुना कर दिया और वो दुगनी फसल ले रहा है। एक बीघे में
20 मन 25 मन तक का धान वहां पे एक बीघे से निकाल रहा, पैदावार तो अच्छी हो रही थी और वहां का जीवन स्तर भी बदल गया था। वहां 5-7 बीघे का किसान भी ठीक ठाक संपन्न दिखता था, वो किसी का मतलब उसको खाने पीने जीने का कोई संकट वैसा दिखता नहीं था, लेकिन उनको हर घर में एक ना एक मरीज पैदा। तो जब बहुत पता किया तो पता चला कि तो पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके चलते आधी आबादी बीमार। और जब तक किसानों को इस बात को समझाया जाए या उनको इस बात के लिए कहा जाए कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल आप कम करिए, ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करिए और देसी तरीके उनका इस्तेमाल करिए, तब तक बहुत देर हो चुकी। किसानों ने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए थे कि वो उनको खर्चों को कम करने की स्थिति में ही नहीं, तो अब उनको मजबूरन उनको उस खेती में उस तरीके में निर्भर रहना मजबूरी हो गई थी। और खेत भी जो थे वो 10-10 साल 12-12 साल के बाद फसल वहां कम ऑटोमेटिक कम होना शुरू, और जहां 20 मन 25 मन के पास एक बीघे में दिख रहा था, बाद में मैं कुछ गांव में गया जहां लोगों से मिला वहां 12 मन 15 मन की फसल। तो किसान इस बात को समझ रहा था लेकिन वो निहत्था, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि जाए तो जाएगा, उधर अगर इधर लौटता है देसी किसानी की तरफ ऑर्गेनिक खेती की तरफ तो उसका जीवन शैली बाधित हो रही है, उसका दैनिक कार्य व्यवहार बाधित हो रहा है, और इधर लौटता है इधर नहीं लौटता है तो उसका जीवन बाधित हो रहा है। परिवार में 1-2 लोग 4 लोग बीमार पड़े रहते थे, आसपास के इलाके में इलाज कराने जाते थे। आज भी अगर इस दर को वहां देख लिया जाए तो जो लोग वहां मर रहे हैं जो समय से पहले दम तोड़ दे रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग यही बीमार होता है। कि जो उड़ता पंजाब फिल्म आई थी वो पंजाब की इसी समस्या को बड़े फर्क पर रेखांकित कर रही थी। वो चूंकि नशे को लेकर का मामला था, होता क्या है कि इसमें सारी सरकारें बराबर की और वो कैपिटलिस्ट आर्डर का एजेंडा है, मतलब तो इसमें कोई कांग्रेस और भाजपा का मामला नहीं है, वो कैपिटलिस्ट आर्डर का एजेंडा, उस आर्डर को ऐसी जनता तैयार, उस आर्डर को ऐसे लोग तैयार करना, उस आर्डर को निहत्ते लोग चाहिए, उस आर्डर को सवाल न करने वाले लोग, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो निहत्था कर देना है, उनको सवाल पूछने लायक रहना नहीं है। जिस गांव में वहां पे एक गांव था, आप देखिए लूट कितनी क्लासिक तरीके से हुई, मैं गांव का नाम भूल रहा है मुझे, एक गांव में जाता हूँ तो मैंने बुजुर्ग, उस गांव में बुजुर्ग आदमी होता है जिसकी उम्र 65-70 साल थी, तो गांव में दो ही बुजुर्ग थे जो 60 साल से पूरे गांव में बुजुर्ग थे। तो मैं एक से मिलता हूँ तो कहता हूँ कि पूछता हूँ कि आप ऐसी हालत कैसे हो गई, कहे कि ये आज से हमें नहीं लूटा जा रहा, हम तो 40 साल से, कहे 1960 या 65 में मेरे पास महाराज रीवा का फरमान निकालने आए कि महाराज साहब ने कहा है कि अगर सोन में बांध चाहते हो, सोन नदी वहां बहती है, तो सोन में बांध चाहते हो तो महाराज साहब ने सोन में महाराज साहब ने कहा बांध चाहते हो तो सोन दे दो। तो कहे बाबू हमारे पास 2 असरफी थी, तो अब महाराज साहब का हुक्म था कि अगर बांध चाहते हो तो सोन दे दो, तो हमने जो है 1 असरफी महाराज साहब के कारीगरों को दे दी बांध बन, और दूसरी असरफी हमारे पास थी तो हैजा कुछ फैला था तो उसके इलाज में हमारी चली गई, कहे हमारे पास उसके बाद कभी सोना नहीं। तो जब उसके 5-7 साल बाद महाराज आए तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि महाराज जो है आपने तो सोना मांगा था, हमने सोना दे दिया, तो भी बांध क्यों नहीं बना। तो महाराज साहब ने कहा कि हमने तो सोना का मतलब था सोन मांगा था, मतलब हमारा कहना था कि आप सोन नदी के किनारे जो आप लोग घर बसाए हो आप वहां से हट जाओ, हमने आपका कोई पैसा नहीं मांगा। कहे हमारे साथ इस तरह का छल 60 से हुआ। किसान इस देश में आजादी के बाद से सभी सरकारों का शिकार, उसमें हर सरकार अपने तरीके से
उनको इस्तेमाल करती रही है। इधर के दिनों में जब से पूंजीवाद उदारीकरण वैश्वीकरण तेज हो हुआ है 90 के बाद से, तो किसान उनके लिए एक नई जमीन हो गया है। क्योंकि आप अगर गौर से देखें कि इस देश के कारपोरेट को इस देश के अरेंजमेंट चाहिए, इस देश की जमीन चाहिए, इस देश का नदी चाहिए, सारे प्राकृतिक संसाधन चाहिए, उसको सब चाहिए, उसको पहाड़ भी चाहिए। तो जब उसको सब चाहिए तो किसान अगर अपनी जमीन का मालिक बना रहेगा तो उस नैगमीकरण का क्या, उस कॉर्पोरेशन का क्या। इसलिए आप देखिए, आप उस बैंक से लोन लेने जाते हैं तो अगर आपने कभी लोन लिया हो और उसको ना चुका पाए तो आपका सिविल खराब हो जाता है कि आपका सिविल खराब है, आपने लोन लिया है उसकी दो किस्तें लेट हो गई है, अतः आपको लोन अभी नहीं दिया जाता, आपका सिविल स्कोर कम हो। किसान एक ऐसा प्राणी है इस दुनिया में जिसका सिविल हाई नहीं है, वो तो निरंतर सिविल के बाहर रहता है और फिर भी उसको रीलोन कर दिया जाता है, और फिर रीलोन कर दिया जाता है, रीलेंडिंग कर दिया जाता है, उसको उस पैरामीटर से बाहर रखा है। लोग सोचते होंगे कि आखिर इस पैरामीटर से बाहर क्यों रखा जाता है, उसके ऊपर ये रहम नहीं हो रहा, ये रहम नहीं है, दूर से उसकी जमीन को के ऊपर लखा जाता है, उसको कैद किया कि 2011 में जिनके ऊपर 1 लाख रुपए ऋण था, 2021 आते आते उनके ऊपर 4 लाख, आज वो 4 लाख, और उस पर 2018-19 में रीलेंडिंग हो गई, 21-22 में फिर कुछ हो गया, इस तरह उनके जमीन का ऋण का रेट बढ़ता चला। हम चाहते कि ये जो रीलेंडिंग है और ये जो लोन का जो टर्म है कैसे बढ़ता है, आसान बताएं तो दर्शकों को आसानी होगी। देखिए ऐसा है कि 2011 में जब मनमोहन सिंह साहब ने कर्ज माफी की, उसमें जो कर्ज माफी उन लोगों को की जो डिफॉल्टर थे, मतलब जिन्होंने कोई भी किस्त नहीं चुकाई थी, जिन्होंने अपने किसी लोन को किसी तरह से भी चुकाया नहीं था, उन लोगों को कर्ज में माफी, और जो रेगुलर अपने कर्ज को पे कर रहे थे उनको कर्ज में माफी दी। ये पहली बार इस देश में किसान जो है सरकार के इस खेल से ठगा महसूस कि जो ईमानदार लोग थे वो पीड़ित थे, और जिन लोगों ने डिलीवरेट और जो ना चुकाने वाले लोग थे वो गांव के सामंत और साहूकार ही थे। छोटा किसान तो मारे डर के बैंक में अपना कर्जा दे के पैसा था, जो बड़े किसान थे 50 बीघे 40 बीघे 100 बीघे के बड़े किसान थे, उन लोगों ने डिलीवरेटली अपने पैसे को नहीं चुकाया, और जब उन्होंने नहीं चुकाया और मनमोहन सिंह साहब ने अचानक कर्ज माफी कर दी, कर्ज माफी के बाद उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वही लोग हुए जो विलफुल डिफॉल्टर, तो ये जो विलफुल डिफॉल्टर था इसने जो है आगे चल के फोर्स डिफॉल्टर किया। फिर किसानों ने सोचा कि यार हम पैसा जमा कर देंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा, नहीं जमा करेंगे तो संभवतः आने वाले समय में कोई कर्ज माफी आएगी तो हमें माफ हो जाएगा। मैं बहुत से ऐसे किसानों को जानता हूं जिनके पास पैसा है और वो इसलिए नहीं चुका रहे हैं कि शायद सरकार रखे माफ कर, तो माफ कर देगी तो हम जो है हमारा पैसा बच जाएगा। तो ये जो सोसाइटी में कर्ज ना लेना और उसको ना चुकाना और उसको अनुत्पादक कार्यों में खर्च करना, ये तीनों प्रवृत्तियां डलवाई गई। किसान इस तरह की प्रवृत्तियों का आदि नहीं था, किसान का कल्चर ही ये नहीं था, वो तो बिटिया के ब्याह तक में उतना ही काम करता था जितने में उसका सब जाए कि एक फसल में उसको निपटा ले दूसरी फसल तक कर्जा ना रहे। लेकिन जब से ये किसान क्रेडिट कार्ड आया, और आप देखिए गांव में शराब के ठेके 2011 के बाद शराब के जो ठेके गांव में खुले उनमें 50% की वृद्धि, उसके पहले शराब के उतने ठेके गांव में नहीं मिलते। आप अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो, मैंने देखा था जबकि बता नहीं पा रहा हूँ, तो गांव में हम अपने 15-50 गांव को जानते थे,
कि हर पांच गांव के बीच में चार गांव के बीच में एक सराफी दुकान खुली। तो किसान के पास क्रेडिट कार्ड का पैसा लाया, उसने शराब से शराब पीना शुरू कर दी, उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। तो जो कंपनियों के उत्पाद थे जो बाजार अब तक किसानों के घर तक नहीं जा पाता है, उस बाजार को किसान क्रेडिट कार्ड के मार्फत गांव में, और चूंकि ऋणम कृत्वा गतम कृत्वा, तो वो एक किसान को भी लगा कि अब पैसा मिल ही रहा है, और एक मैसेज भी चला गया था कि जो पैसा चुकाना नहीं है चुका देंगे तो माफ नहीं होगा, तो किसान ने भी उसको मुक्त हाथ से कर दिया, उसने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। अभी हाल के दिनों में बैंकों ने किसान ऋण को रिसेल कर रिसेल समझते हैं जी, बताइए मैं दर्शकों को चाहता हूँ कि रिसेल मतलब कि लोन पोर्टफोलियो किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया। अच्छा, मतलब किसी किसान का 4 लाख रुपए है तो उसका 4 लाख रुपए की जगह उस कंपनी से 1 लाख रुपए टाइम हुआ, 25% में वो लोन पोर्टफोलियो दूसरी कंपनी को बेच दिया चला गया। तो लेकिन किसान की कर्जदारी 4 लाख ही बनी, जिस कंपनी को गया उसको 1 लाख में उसने परचेस, तो वो जो बीच की मार्जिन बनी है वो कंपनी की है। कंपनी उसकी बेसिक प्राइस जो थी वो तो 1 लाख थी, 1 लाख। तो बैंक ने अपना ये सेटलमेंट कर लिया कि हमने जो बेसिक प्राइस 2011 में दिया था वो पैसा ही वापस ले लिया, और हमने अपना लोन पोर्टफोलियो खत्म कर दिया, और जो जो उसका ब्याज का पोर्शन था उसको एनपीए में डालते उसको राइट ऑफ, तो वो राइट ऑफ कर दिया, बुक साफ हो गई, सारा कुछ साफ हो गया, चीजें साफ हो गई दिखने लगी, और किसान का जो 4 लाख है उसका मालिक एक प्राइवेट कंपनी है। बीच में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे आदेश आए तो सरकारों को फिर रोक लगाने, लेकिन ये लंबे समय तक रुकेगा इसमें मुझे संदेह। आप बार बार हम लोग देख रहे हैं कि जब सरकारें कह रही हैं कि जो है किसान की जमीन किसान से नहीं ली जाए, जो किसान लोन ले रहा है बैंक से उसमें जो से डॉक्यूमेंट साइन कराए जा रहे हैं उसका टाइटल चेंज हुआ, जब जमीन का टाइटल ही चेंज हो गया, उसका टाइटल बैंक के नाम ट्रांसफर हो चुका है, किसान उस जमीन को बेच नहीं सकता है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप सरकार किसान की जमीन इंतजाम से नहीं देते? डिफेक्टो मालिक तो उसका बैंक हो गया। अब कभी कोई सरकार इतनी रहमदिल आ जाए किसानों को लेकर के और वो ये कह दे कि सरकार की सारे बैंकों का सारा कर्जा माफ किया जाता है और उसका टाइटल भी ट्रांसफर किसान के पक्ष में किया जाता है, तब तो ये पूरी बात हो। और अगर ये हो कि नहीं 2 लाख रुपए माफ कर दिया, 2 लाख रुपए बना हुआ है और जमीन का मालिक अभी बैंक के मालिकाना हक अभी बैंक के पास है, तो आने वाले समय में जब बैंक प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो उनका ये लोन पोर्टफोलियो कहां जा रहा है, ये भी प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान किसी सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है कि जब सरकार की तरफ से बयान आ गया ना कि हम देश में 2 बैंक रहेंगे एक बैंक रहेंगे, तो जो बाकी बैंक है उनका लोन पोर्टफोलियो होगा वो उसका क्या, वो कहां जाएगा? अगर वो लोन पोर्टफोलियो प्राइवेट कंपनियों के पास चला जाएगा तो उसके मालिक भी, बैंक का मालिक कोई प्राइवेट कंपनी होगा, तो वो जो प्राइवेट कंपनियों के पास लोन पोर्टफोलियो जाएगा तो उस लोन के साथ क्या अपने हिसाब से व्यवहार करेंगे? ये किसी से जुड़ा हुआ मसला है कि जैसे किसान तो आमतौर से उस जगहों पर जाने में डरता है जो सामान्य किसान है, कि वो लोन लेने में भी डरता है कि वो कितने तरीके उसमें इतने दावपेच है कि वो सारे तरीकों से समझ नहीं पाता कि वास्तव में इसमें कितना सच और कितना इसमें बीच के बिचौलिए ही बनाते हैं। एक किसान क्रेडिट कार्ड जो बनाया गया तो उसके पीछे की क्या मंशा थी और क्या बाद में उसका? पहले मंशा अच्छी थी, शुरुआती तौर पे हम लोगों को भी लग रहा था कि मंशा अच्छी है, क्योंकि किसान भारतीय किसान ऑलमोस्ट साहूकारों के सूत्रों के जाल, और साहूकार पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज देते रहते, कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जिसमें किसानों को इस बात की सहूलियत मिले कि वो अपने दैनिक या अपने आने वाली आपत्ति विपत्ति के लिए कहीं से वो फंड की उसके लिए व्यवस्था हो सके और वो अपना जीवन यापन कर सके। शुरुआती दौर पे ये ग्रीन कार्ड के रूप में, किसान क्रेडिट कार्ड तो बाद में उसका नाम पड़ा, सबसे पहले इलाहाबाद बैंक ने ग्रीन कार्ड जारी किया, तो उस वक्त तो जब उसका पूरा प्रोस्पेक्टस आया था हम लोगों ने पढ़ा था,
तो एक तसल्ली हो रही थी कि नहीं ये ठीक रास्ते में जाएगा, अब किसान अब साहूकारों के जंगल से निकल जाए। लेकिन वो दो चार साल के अंदर ही देखने लगा कि किसान अब लोन के डबल ट्रैक में चलते, और चूंकि किसान की आमदनी खासकर पठारी इलाकों में बुंदेलखंड हो चाहे उधर हो, इन सब इलाकों में बहुत अनसर्टेन अनिश्चित है, उसका कुछ पता नहीं है कि ये फसल होगी तो क्या। कई बार तो ऐसा होता है कि बीजा नहीं, हमारे यहाँ एक पसेरी एक बीघा में चार पसेरी मिलना पड़ता है, बीज पड़ता है, और चार पसेरी बीज जो है कई बार चार 20 किलो पसेरी मैंने 5 किलो 20 किलो बीजा पड़ा। अब 20 किलो बीजा पड़ने के बाद जो है कई बार ऐसा होता है कि उसमें 50 किलो 40 किलो बन जाते हैं, आधा मन एक मन की फसल सूखा पड़ जाता है। और बुंदेलखंड में तो सूखे की लंबी और सुदीर्घ परंपरा है, बराबर से 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल सूखा रहता है, पानी का कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे में किसान पीढ़ी दर पीढ़ी वो फंसा हुआ था इंतजार। हम लोगों को लगा कि नहीं एक रास्ता निकल आया है और किसान ऐसे बाहर निकल पाया, तो उसका वो किसान बाहर तो नहीं निकल पाया, लेकिन उसने अपने लड़के बच्चों को गांव से बाहर कमाने हमारे गांव हमारे इलाके के सारे गांव के बच्चे सूरत गुजरात नागपुर बम्बई दिल्ली कमाने चले गए। घर में बूढ़े घर में रहते थे, वो किसी तरह खेती बाड़ी करते थे, और जवान लड़के साथ सूरत गुजरात करते थे। मैं उनका चेहरा चुनाव में देखता, जब चुनाव में लड़ता पार्टियां चुनाव लड़ती थी तो उनको अपने खर्चे पे वहां से बुलाती थी, या कभी होली दिवाली वो आते तो उनको देखता था कि फलाने के लड़का, ये तो हम लोग जान ही नहीं पाते थे किसके पास तरफ क्या कहा। चुनाव में एक ऐसा निश्चित त्योहार था कि जिसमें पार्टियां अपने पैसे से उनको बुलाती थी, वोट डलवाने के बाद उनको भेज दी। तो कई बार जो है जब आप लोग सुना करते थे कि फसल के समय जो है चुनाव डिक्लेयर हो गया और उस वक्त बाहर से जो है लोग नहीं आ पाए, तो पता चला कि फलानी पार्टी चुनाव, क्योंकि किसान के बच्चे को अगर ये लगा कि गांव जाऊंगा तो दूसरा काम नहीं समझ पाएगा, वो कटाई के समय फसल घर आता था कि गांव में कटाई में कुछ हाथ बटा देगा, 4 पैसे गांव में भी कमा लेगा, भाई वहां से पैसा छोड़ के आ रहा 1000-2000 कमा लेगा। तो ये सब गांव की इस तरह धीरे बाने अर्थव्यवस्था चल रही। अब जब किसान क्रेडिट कार्ड का स्वरूप बनता गया बनता गया, और किसान अब बिल्कुल से निहत्था हो गया है, आप मानिए उसके पास कुछ 50 बीघे का काश्तकार अपने बच्चे आज की तरह तो कुछ कहावतें आज के समय को लेकर के जरूर वहां लोग कहते थे, जैसे आपने पानी को लेकर के लिखा है गले न फूटे जाए बलम मर जाए। अब ये जो मतलब इस पढ़ करके ऐसा लगा कि बहुत गंभीर बात है कि इतना पानी की महत्ता अगर बढ़ जाए, और जहां पर मतलब इंसान की कीमत पर पानी की बात की जाए, तो क्या इसके पीछे कोई घटना आपको सुनने को आसपास देखने को मिली? मैं बचपन में अपने नानी के गांव जाया करता था, तो नानी के गांव में कोई मीठे मीठे जल का कुआं नहीं, कोई मीठे गांव में कोई कुआं ऐसा नहीं जो मीठा पानी। नानी मेरी तब भी 60-65 साल की रही होंगी, और वो 5 कोस दूर एक मीठे पानी का कुआं, और हम लोगों के लिए कि नाती उसके आए हैं वो सर में बांध के लेने जाते, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं किसी को बताई बात तो हम लोग और नानी वगैरह जो है गांव के खारे कुएं के पानी पीते थे, वो लोग अपना जीवन हम लोग उस पानी को नहीं पी पाते थे, शहर से जाते थे, लेकिन नानी तो दादी या नानी या गांव में दादी दादी रहा करती थी, तो दादी और नानी दोनों लोग उस गांव के खारे पानी को पीने के लिए उन्होंने अपने आप को अनुकूल कर दिया, अपनी बॉडी को सिस्टम में ढाल दिया। हम लोगों के लिए जब कभी जाते थे तो नानी का ये दुख देख करके
हमें गांव में रुकने की इच्छा नहीं। पांच रोज दिन पानी लेने जाते थे और वहां से लाके हम लोगों को मिटा पाते। हम उस बुंदेलखंड के उस गांव में और ऐसे में जब इतनी जहां पानी की समस्या हो और जहां पर बीमा कंपनियां किसानों के साथ दूसरा खेल करती हैं, यानी वहां के किसानों को कई तरह की समस्याएं या प्राकृतिक जो चीजें होती और जो हमारा आधुनिक समाज व्यवस्था के द्वारा निर्मित संस्थाएं होगी, उन दोनों चक्रों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में जब एक किसान बैंक की जाल में फंसता है तो कैसे अपने आप को दुनिया के पैमाने पे अगर आप देखें अमेरिका से यूरोप में तो सारे देश लगभग जहाँ पे कृषि पे निर्भरता लोगों की है वो एड्स से बहुत पश्चिम है। भारत पाकिस्तान या एशियन महाद्वीप में ये स्थिति है कि 18-24 ऐसे लोग कृषि पे डिपेंड करते हैं। तो चूंकि हमने अमेरिकन साम्राज्यवाद को हमने 1990 में ही एक्सेप्ट किया, इस देश में बहुत सारी नीतियां चाहे न्यूक्लियर डील से लेकर वो सब अमेरिकन एजेंडा है जो हमारे देश के जो हमने साइन कर रखे हैं लादा जी। तो उसने दुनिया भर के कारपोरेट्स को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ 24% लोग किसानी में, और क्योंकि जब तक जमीन के वो मालिक नहीं होंगे तब तक वो देश के मालिक होंगे। ये बड़ा षड्यंत्र है, बहुत दूर तक का है जो बाहरी तौर पे दिखाई नहीं दे रहा। एनरॉन जब इस देश में आया था तो उसको बिजली में 16.5% की कम का गारंटी दी गई कि वो जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उसमें कम से कम 16.5% का मार्जिन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल टू पे अगर उससे कम होता है। तब जबकि किसी छोटे व्यापारी को या मझोले व्यापारी को वो व्यापार करता है फेल होता है पास होता है उसमें उसकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। एनरॉन को पहली बार इस देश में गवर्नमेंट गारंटी दी गई। एनरॉन का दुनिया के पैमाने पर क्या हासिल हुआ वो अलग बात है। तो ये जो सरकारों को के द्वारा दुनिया भर के कारपोरेट्स को बुलाना उनके लिए रेड कारपेट बिछाना और जहां जरूरी नहीं भाई भारतीय कृषि का विकास तो सहकारिता पद्धति से ज्यादा बेहतर हो सकता है। और अभी तक स्वामीनाथन हो चाहे जो भी कृषि वैज्ञानिक रहे हो ये सब सहकारिता की वकालत करते रहे और भारत में हर सहकारिता आंदोलन एक लंबे समय तक ठीक ठाक तरीके से फला फूला थी। आज भी कम से कम जो लोग महाराष्ट्र की 24 या 25% चीनी मिले सहकारिता क्षेत्र में ही है। तो सहकारिता जैसा बेहतरीन अवसर हमारे पास होने के बावजूद हम कोऑपरेटिव से कॉर्पोरेटिज्म की तरफ क्यों चले गए ये मेरी समझ में कभी नहीं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट के साथ जाना मतलब देश की संप्रभुता के साथ जाना है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इस देश की संप्रभुता के खिलाफ एक बड़ा कुचक है। किसान के लिए जमीन पीस ऑफ लैंड नहीं है, वो उसके लिए एक माँ है, वो उसका अपना जीवन है। उसी में हम लोग आज भी चाहे जहां रहे हैं आज भी गांव जाएंगे बिना किसी काम के अपने खेत में जाके 5-10 मिनट जरूर खड़े हमें कोई हम उस जमीन से हमारा अब कुछ चल भी नहीं रहा है हमारा काम भाई हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है लेकिन गांव जाएंगे अपने खेत के दरवाजे जब तक ना जाकर के 5-10 मिनट ना खड़े होकर देख ले ये हमारी जमीन है तो कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। तब जबकि हम किसान नहीं रहे और वो जो व्यक्ति किसानी कर रहा है वो ये जो लोग हैं ये शहर ये जो दिल्ली में या बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हुए लोग हैं इनके लिए ये एक किसान एग्रीकल्चर एक प्रोफेशन है जी, प्रोफेशन नहीं है। एग्रीकल्चर हमारा वे ऑफ लाइफ है, वो जीवन है और हमको हमारे जीवन से कोई नहीं करा पाएगा। कोई सरकार अगर इसमें कोशिश करेगी तो ठीक नहीं होगा।
बात एक थी कि जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, इसकी आज के दौर में काफी बातचीत होती है, अगर सही से देखें तो उसमें बहुत बार आपको जो जो हमारी ग्रामीण और जो संस्कृति है वही दिखाई पड़ती है। चाहे हम अपने परिवार का उदाहरण लें, या हम सामूहिकता में जो विश्वास करते हैं, या हम खेती में हम अलग अलग लोगों को अपना उनका सहारा लेते हैं उसकी पैदावार करने में, वो बेसिकली तो हमारा उसी समाज से आई हुई सारी बातें। और ऐसे में जब हम इन धारणाओं को बदल करके एक नई संस्कृति का निर्माण करते हैं तो क्या कितना घटित होता है? देखिए, हमारा समाज अभी किसी भी भारतीय समाज में शिक्षा का स्तर अभी भी दूरन तक नहीं पहुंचा। आपने डिजिटल सुना होगा, आप कभी एटीएम में जाकर देखिए कि गांव में जब एटीएम जो लगे हैं, तो आसपास के गांव में लगे हैं, किसान तो उस एटीएम में जाता है तो अपना पैसा नहीं लेता, वो इंतजार करता है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी आ जाए तो उसके कार्ड से पैसा निकाल। गांव छोड़ दीजिए, मैं एक पाना शहर में रहता हूँ, तो मैं जब भी एटीएम में जाता हूँ तो दो तीन लोग ऐसे जरूर मिल जाते हैं जो एटीएम को ऑपरेट करते हैं। ऐसे दौर में आप जिस लाइसेंस जबरिया अगर आप खोलते हैं, तब जबकि समाज शुरू करा, समाज को पहले उतना एजुकेट कर दी सकता, समाज अभी उतना एजुकेट ही नहीं हुआ कि आप कि आपके उस मतलब जो आप इलेक्ट्रॉनिक दुनिया जिस तरह ले जाना चाहते हैं वहां वो जा सके। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने पहले भी ये बात कहा, फिर कह रहा हूं, ग्रामीण जीवन शैली में बहुत छेड़छाड़ ठीक नहीं, उनकी कुरीतियों में तो जो चोट करना था वो समय होती रहती और वो करना भी चाहिए, लेकिन जो उनका कल्चर है उस कल्चर में बहुत छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे रहते सब टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी इनको ये पता नहीं कि हमारे घर में हमने पूरी जिंदगी हमारे घर में जो हमारा किराएदार था उसका कभी नाम नहीं, उसको काका ही कहते थे। तो ये जो हमारा आपसी समझदारी है, और इधर जो सरकारों का एजेंडा है कि समाज की जो भीतरी समझदारी है उसको तोड़, और अगर आप भीतरी समझदारी को तोड़ देंगे तो विखंडित समाज किसी के कारण, शहर ऑलरेडी शहर से जा गए हैं गांव की तरफ आप बढ़ चले हैं, अगर ये गांव में भी आपका जो गंदगी है गांव तक पहुंच गई तो फिर कुछ बचेगा नहीं। जिस समाज को आप जिस सपने को आप लेके जा रहे हैं, और वो सपना तो वैज्ञानिक समाजवाद से ही पूरा, और कोई रास्ता है। एक और सवाल इसी से थोड़ा सा उसका व्यापक संदर्भ वाला है, जैसे हम देखते हैं कि सरकारें समय समय पर लोन कॉर्पोरेट्स को माफ करती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो अगले इतने साल तक कोई हाँ, ये जो खेल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसान का एक छोटा कर्ज होता है, उसको लेकर कितनी सारी बातें, कितनी सारी षड्यंत्र उसके बारे में रचे जाते हैं। सरकारें वेलफेयर स्टेट की धारणा को ही दरअसल क्या है कि सारी सरकारें, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, सारी सरकारों के एजेंडे में अब वेलफेयर रहे, जिस बात को पूरे देश में ताली बजा बजा के मोबिलाइज किया जा रहा है कि आपको हमने मकान का पैसा दिया, आपको हमने सम्मान निधि दिया, आपने आपको हमने दिया, आप अगर गौर से देखें कि कॉर्पोरेट सब्सिडी का वो 10% है, और अगर आप और बहुत माइक्रो एनालिसिस में चले जाए तो आप इस देश में कॉर्पोरेट टैक्स 21-22% है, और इंडिविजुअल टैक्स जो है 30+, और जो आम आदमी को जो टैक्स देना पड़ रहा है वो 30% से ऊपर देना पड़ रहा है।
और कारपोरेट को जो है उसको 22% टैक्स देना पड़ा, 21% टैक्स देना पड़ा। तो वो ये जो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की चिंता में बैंकों में जो एनपीए हो रहा है, बैंकों में जो अभी आप देख रहे हैं तो लोग सुनते हैं कोई पैसा लेके चला गया, इसका पैसा लेके चला गया, इसका 5,000 करोड़ चला गया, किसी के 10,000 करोड़ चला गया, किसका पैसा है? जो आम जनता का पैसा है। और कोई कॉर्पोरेट वो अपने पैसे से थोड़ी यहाँ काम कर रहा है, जनता के पैसे को बैंक से उठाता है और उसको अपने मनमानी इस्तेमाल में ले आता है और उसके बाद जो वो डिफॉल्टर होता है उसके तो कौन डूबता है? बैंक। जब बैंक के डूबने का मतलब कि जनता का। तो अब जब इस देश में क्या पूरी दुनिया के टाइम खाली हिंदुस्तान का फेनोमेना नहीं कि हमको लगता है कि हिंदुस्तान का, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स की ट्रिकल डाउन थ्योरी है और जब अमेरिका कंट्री में देखा गया कि जो पहले ये माना गया था कि जो है अगर ऊपर से व्यवस्था ऊपर से नीचे आती है तो टॉप पे बैठा आदमी है अगर उसको संपन्न कर दिया जाएगा, उसको अच्छे से फिट कर दिया जाएगा तो नीचे तक वो संपन्नता आएगा। और फिर एक लंबे समय के बाद ये तय पाया गया कि नहीं तो फेल कर दिया। तो डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम हमें दुनिया भर के देशों में स्टार्ट हुआ और उसी डीबीएस को आज सरकारें अपना चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर, वो डीबीएस तो जो है वो जो जनता का हिस्सा है। जो इस देश में हम कुछ डायरेक्ट टैक्स देते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। इस देश में टैक्स का भुगतान तो गांव में हर जो होता है किसान भी करता है, वो सभी करते हैं और उन सबका हिस्सा है इस देश के स्टेट पे। तो उनका हिस्सा है तो उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उसमें कौन सी बात है? उसमें आप किस बात कहां पे आप हमारे साथ जो है मर्सी कर रहे हैं, कहां दया की बात है, कहां करुणा की बात का मामला है? ये दया करुणा का मामला नहीं है, ये तो हमारा हक है भाई जो आपको हमको देना है। वैसे जब हम आंकड़े देखते हैं तो हमको कुछ अलग तरह की तस्वीर हमारे सामने उभरती है। जो सच्चाई होती है वो एकदम अलग आती है। जैसे कि किसान कानून बनाए गए तो बहुत सारे विज्ञापन आए और उसमें खुशहाली का माहौल निर्मित किया गया। और जब हम सब्सिडी का पूरा रेशियो देखते हैं कि कितनी सब्सिडी दी जा रही है, कितने लोगों पे निर्भरता है, जीडीपी में उनका हिस्सा कितना है और हम दुनिया को देखते हैं, तो उससे क्या नजर आता है कि हमारी जो सरकार है या हमारी जो व्यवस्था पूरी है उसमें हमने किसानों के लिए क्या सोचा है? खेती किसानी को लेकर के क्या किसान, सच बात तो यह है कि किसान आज तक किसी सरकार के डिब्बे में आ ही नहीं गया। ये बिल्कुल व्यर्थ। किसान आज भी लोगों के लिए वोट बैंक, सारी सरकारें अपने तरीके से उनको लुभा। आप बताइए कि भारत में किसी के किसी जो भूमि है उसके मालिक करीब 8-9 करोड़, 24 से 25 करोड़ लोग उस पर निर्भर है, जो उससे लगे उनका कामों को करते हैं। आपने महानगरों को छोड़ दीजिए, आप स्मॉल टाउनशिप में या टाउनशिप में कोई ऐसा रोजगार नहीं डेवलप किया कि वो जो 24-25% पॉपुलेशन है वो वहां जाके वहां शिफ्ट कर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका डे बाय डे डिप कर रहा है, डेट डेफिसिट सर्वकालिक बढ़ गया, फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ चुका है, बियॉन्ड कंट्रोल दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब किसान के लिए कोई वायबल अल्टरनेट नहीं, किसी मजदूरों के लिए कोई वायबल अल्टरनेट नहीं, तो अगर उनके से वो किसानी का जो काम करते हैं, जो तो अपने खेत पर कल्याण में काम करते हैं, वह भी आप छीन लेंगे तो कहां जाएंगे? क्योंकि तो आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसानों को तो रिहैबिलिटेट करेंगे, तो रिहैबिलिटेशन का कोई मास्टर प्लान कहां है, किसके पास है, क्या उसका एजेंडा है, उसमें कोई डिस्कशन हुआ है? कहां ले जाएंगे उनको आप, और ले जाएंगे तो किसकी कास्ट को ले जाएंगे? भाई आज भी भारत के हर स्टेट में न्यूनतम वेज वेरी कर रही है। केरल में न्यूनतम वेज 600-700 रुपया, यूपी में 400 रुपया है,
जिस देश में अभी एक यूनिफॉर्म न्यूनतम वेज ना हो, उस देश में किसान के साथ, किसान किसी मजदूर के साथ न्याय होगा? मैं ऐसा नहीं, क्यों नहीं एक नेशनल लेबर कमीशन बनता है, उसमें किसान की राष्ट्रीय स्तर पे मजदूरी तय की जाए। भाई आप बताइए कि यूपी में 400 रुपए डेली वेज का भुगतान है और केरल में 800 रुपए, ऐसा कैसे हो जा रहा है? राज्य सरकारें अपने हिसाब से न्यूनतम वेज कैसे तय कर रही है? किसान समस्या तो पैन इंडिया एक सी है, उसमें कहीं अंतर अंतर नहीं है। जो विदर्भ का किसान जिस बात को बर्दाश्त कर रहा है, वही बुंदेलखंड का किसान कर रहा है, वही राउत के किसान दूसरी काम को बर्दाश्त कर रहा है। बस डिग्री का थोड़ा वो फर्क हो सकता है बस, लेकिन किसान की समस्या है आलमोस्ट से। जैसे जब हम देखते हैं कि कोई भी बदलाव होता है खासतौर से राजनीतिक व्यवस्था में, तो हम उसको बड़ा चमत्कारी संदर्भ में उसका मूल्यांकन करते हैं कि इनका जादू है, उनका जादू है। ऐसे में कहीं किसानों के साथ जो कुछ सरकारें करती हैं, क्या उस बदलाव में क्या उनकी कोई भूमिका बनती है? किसान इस देश में, किसान आंदोलन सजन सरस्वती का भी किसान उसके बाद से लेकर के लिए अभी हाल में दिल्ली के किसान अभी पॉलिटिकली जागरूक नहीं है। आपको जान के ताजुब होगा, दिल्ली में आपको लग रहा था देश भर का किसान इकट्ठा है, हमारे बुंदेलखंड के किसान को पता नहीं दे दिल्ली में क्या सच। तो जब इतनी बड़ी उदासीनता है, राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे से भी किसान गए, हालांकि हर पार्टी के भीतर कहीं किसान सभा है, कहीं किसान मोर्चा है, ये सब है, लेकिन उसमें किसान नहीं। किसान सभा में भी गैर किसान, किसान मोर्चे में भी गैर किसान। तो जब तक जो जो उसका विक्टिम है वो राजनीति के केंद्र में नहीं आए, वो अपनी राजनीति पे बात नहीं करेगा, तब तक उनकी समस्या भी ईमानदारी से नहीं सुनी जाए। और किसान तो मुख्य धारा से कट गया। आप दिल्ली में अगर देख रहे हो कि देश का चेहरा है किसान, तो दिल्ली का आंदोलन देश का चेहरा नहीं है, वो तो बड़े किसानों का। तो मुझे कहना चाहिए, मैं माफी के साथ बोल रहा हूँ कि ये दिल्ली का आंदोलन बड़े किसानों का, अभी समग्र किसानों का आंदोलन नहीं। समग्र किसान तो जिस बुरी परिस्थिति से जूझ रहा है उसे पता ही नहीं है, और वो दिल्ली तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं है, उसको गांव से शहर आने में कठिन पड़ रहा है, वो दिल्ली जाना उसके लिए बहुत दूर की होगी। तो अभी राजनीतिक दलों को अपना विस्तार गांव गांव करना, और जो लोग किसानों की बात करते हैं, जो लोग सर्वहारा की बात करते हैं, जो लोग बिगर सेशन की बात करते हैं, उनके खास और बड़ी ऐतिहासिक जुम्मन कि वो वहां जाए, क्योंकि अब ये टेबल टॉक ज्यादा हो चुकी है और सारे लोग कोई फेसबुक पे एक्टिव है, कोई अपना ट्विटर में बोल रहा है, कोई फेसबुक में सब बोल रहे हैं काम कर। और ये जो नकलीपन है, ये दोनों तरफ, ये नकलीपन खाली उधर में जो सत्ता पक्ष के यहाँ नहीं है, इधर नकली पक्ष पर इधर भी है, और इधर विपक्ष तो ज्यादा उसका शिकार, एक नकली आत्मबोध का शिकार वो। मतलब मैं देख रहा हूँ कि बाधा में मैं बहुत सारे लोगों को बुलाता था कि आप लोग आइए गांव चलते हैं, एक आध दुक्का दुक्का लोगों को अगर आप छोड़ दें, उसमें बड़े कथाकार भी हैं, बड़े एक्टिविस्ट भी हैं, तो लोग इस पे टालते रहे। हाँ, कभी मना नहीं किया लेकिन कभी आए। तो जब सरोकारों का जो स्तर है वो यहाँ पहुंच जाए कि सब कुछ मतलब चैटिंग से, फेसबुक से, ट्विटर से अगर सब हल हो जा रहा है, तो ग्राउंड जीरो तो जाएगा। अब ग्राउंड जीरो बना, ये सारी बातें ठीक है एक विचार के रूप में, और आपके पास दुनिया भर का ज्ञान होना चाहिए, सारी बातें आपको जानना चाहिए, लेकिन आपका जो इक्वेशन है वो तो वही ग्राउंड जीरो, लागू भी होना चाहिए। इसका बात करने का समय निकल चुका है। जो लोग घरों में बैठे हैं या जो लोग घरों में कैद है और वहां
वहां से नकली ग्राम उनको उनके ऊपर खास है कि वो अपना घर छोड़ करके अपना कम्फर्ट जोन छोड़ करके निकले। अब ये निकलने का समय बोलने का समय सर मुझे भी लगता है कि आप लोगों को भी अपने इस वर्कहीं से थोड़ा बाहर आने का समय हो रहा है क्योंकि समय का हम सभी लोगों को ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेदारियों का भी खास तौर से ख्याल रखना है। सर आपने हमारे किताबी दुनिया के दर्शकों के लिए इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें साझा की, हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें समय दिया और आगे भी हम आपको परेशान करेंगे इसी तरह से बातें सुनने के लिए आपका।